सर्जन में जाते समय विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय व्यक्ति की हुई मृत्यु। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। तहरीर मिलने पर मुकदमा किया जाएगा दर्ज। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को किया गया लागू। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा आईआरएस ऑफिसर अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर कर सकेंगे लागू। नौ अक्टूबर को भव्यता के साथ महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। रामायण काल से जुड़े स्थलों श्री राम हनुमान मंदिरों पर रामायण पाठ के साथ साथ होंगे दीपदान के आयोजन। शासन ने 15 नवंबर तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के दिए निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने सभी सड़क मेंटेनेंस करने वाले विभागों को सर्वे कराकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। चाकू मारकर घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त सोनू को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति व योजनाओं को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। महिला से छेड़खानी कर मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्त आदित्य चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय आयुष्मान पखवाड़ा में 11,500 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार सिंह ने कहा अभियान आगे भी रहेगा जारी ताकि जल्दी से जल्दी सभी लाभार्थियों का बन सके आयुष्मान कार्ड। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सीएमओ ने 10 दिन के अंदर बकाए के भुगतान का दिया आश्वासन। सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सीएमओ के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन किया गया स्थगित। अगर 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो आगे इससे भी बड़ा किया जाएगा आंदोलन। और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट किया जारी। 8 अक्टूबर से आगे तक बारिश होने की है संभावना। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।